आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इनका जो शॉप है जहाँ से पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा बैंगल स्टोर यही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देते हैं ये, और जो खुदरा विक्रेता हैं कस्टमर्स हैं उनको भी देते हैं रीजनल बेसिस पे। ये मुजफ्फरपुर में है और मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ। ये दुल्हन सेट यही जाता है मार्केट में, उसके बाद इसका रेट जो है यहाँ से निकलने के बाद वो मार्केट में और ज़्यादा हाई रेट पे आपको मिलेगा। मैं आपको जहाँ से दिखा रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरर हैं एक तरीके से कहिए तो। ये सब लुक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऑन डिमांड भी बनाते हैं, जैसा डिमांड होगा उसके अनुसार आपको ये मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे मार्केट डिमांड के अनुसार। मैं सबका रेट तो नहीं बता सकता हूँ, पर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सेट के बारे में बता रहा हूँ, ये दुल्हन सेट है जो कि आपको 800,000 रुपये के नियर अबाउट यहाँ मिलेगी। अब बाहर मार्केट में जाने के बाद इसका रेट और भी महंगा हो जाएगा। फिर ये एक सेट है जो कि आपको 450 रुपये में यहाँ पे अवेल करवा रहे हैं। अगर एक पीस लीजिएगा तो हो सकता है आपको रेट थोड़ा ज़्यादा लगे, पर ये एक पीस का रेट है। और जो थोक विक्रेता हैं दुकानदार हैं वो तो ले जा सकते हैं यहाँ से, उनका अलग रेट होगा। मैं आपको सारा स्टोर दिखा रहा हूँ अभी। ये जितना भी काम किया हुआ है सब लैठी पे किया हुआ है, लाह पे किया हुआ है, इसको लैठी बोलते हैं यहाँ बिहार में। सब लाह चूड़ी है, ये पूरा स्टोर मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कम दिख रहा होगा पर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे देखिए आप बोरी के बोरी यहाँ पे पैक होके डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। आप देखते रहिए, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इनके ओनर से भी मिलवाऊँगा। और ये जो है, हाँ भैया बोलिए। और एक यूट्यूब पर है तो आप कौन सा नाम से हम बताते हैं आपको, और पहले ये कर ले। ये जो है सुमित वीलॉग्स के नाम से भैया मेरा चैनल है। आपका नाम क्या हुआ भैया? मोहम्मद मुमताज। मोहम्मद मुमताज हैं ये, और ये ला का अभी ये क्या बोलते हैं इसको जो आप काट रहे हैं? लाठी बोलते हैं इसको, बत्ती कह रहे हैं। बत्ती, अच्छा ये ला है पूरा ला का, ये बत्ती काट काट के ये इनको दे रहे हैं। ये मेटल है जो चूड़ी का बेस होता है जिसके ऊपर ये लाह को चिपकाया जाता है। और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से इसको चिपकाया जाता है। अभी आपने जितना भी डिजाइन देखा था स्टोर में वो सारा डिजाइन लाह पे ही बना हुआ था। और फिर इसको चिपकाने के बाद क्या करते हैं? फिर वहाँ पे पंच करते हैं। डाई होता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? डाई, डाई, डाई। और यहाँ पे ये डाई हो रहा है, मतलब ये अभी टेढ़ा मेढ़ा है जिसको ये गर्म में ही डाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसको शेप दिया जाता है गर्म करके, और ये चिपकाया जाता है जो डिजाइन है, अलग अलग तरह का पैटर्न है, वो चिप्स है डिजाइन। चिप्स, इसको चिप्स बोलते हैं।
ओके। और ये जो चिप्स होता है ये क्या, कौन सा मटेरियल होता है ये? ये भी लाही का है। अच्छा, ये भी लाह का ही बनता है, चपड़ा का। ये लाह का ही डिजाइन बनता है और इसी को चिपकाया जाता है। और भी तरह तरह का डिजाइन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इसको चौड़ा भी कर रहे हैं ना। ओके, इसको आप राउंड करके उसके बाद इसको चौड़ा कर रहे हैं, उसके बाद शेप देने के लिए ऊपर से। कितने सालों से काम कर रहे हैं भैया आप लोग? क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद असलम इनका नाम हुआ। यही यहाँ के उस्ताद हैं, इन्हीं के भरोसे पूरा मुजफ्फरपुर में ये कारोबार होता है ना। हाँ, मुजफ्फरपुर फेमस है चूड़ियों के लिए और लाठी के लिए। नहीं, हाँ वो मैं बोला। यहाँ से कोई मतलब खुदरा विक्रेता भी आते हैं लेने के लिए और थोक भी। अच्छा, यहाँ पे आप खुदरा और थोक दोनों ले सकते हैं। ये थोक भाव में यहाँ पे काम होता है। नाम भी लिखा जाएगा, नाम का भी बनता है। अच्छा, नाम का भी बन जाता है लाठी। जैसे आपका कुछ भी नाम हो, राजू, साबाजू। कितना टाइम लगता है नाम का बनाने में? दो दिन अगर आप टाइम दीजिएगा तो कितना पीस होता है मिनिमम? हर एक जैसा रहेगा वैसा पीस रहेगा। हैं? अच्छा, जैसा फरमाइश है उसके हिसाब से नाम और कला आपके हिसाब से इसमें बनाई जाएगी। नहीं, लाठी में और आपके ओनर का नाम क्या हुआ? मोहम्मद समीम जो है वही यहाँ के ओनर हैं। फिलहाल अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं उनसे ही बात करवाता। एक दिन में भी आप लोग कितना बना लेते होंगे? कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे काम करते हैं। और ये मतलब आप लोग की मतलब क्या मिलता है यहाँ पे, किस तरीके से मतलब पीस पे काम करते हैं या महीने पे काम करते हैं? महीने पे। अच्छा, आप लोग सब महीने पे काम करते हैं। एक दिन में कितना बन जाता होगा लमसम? 100 से 50 से 100-200 बना लेते हैं मतलब एक दिन में। अच्छा, डिजाइन के हिसाब से ये। और ये जो अभी बना रहे हैं आप, ये चौड़ा वाला, ये कितना बना लेंगे? 100-120 मतलब हर एक एक डिजाइन का 100-120 या हर सब मिला के आप बोल रहे हैं 100-200? हाँ, एक दिन में एक डिजाइन का 100-150 मुठ्ठा बनाते हैं। मुठ्ठा बोलते हैं उसको? हाँ। अच्छा, उसको मुठ्ठा बोलते हैं मतलब पूरा जो सेट हुआ उसको मुठ्ठा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कोयले पे पकाया जाता है। इसको भी पकाया जाता है क्या, ये जो मेटल है? हाँ, तो गर्म नहीं पकेगा। अच्छा, उसको भी पकाया जाता है। उसके बाद फिर इस पे लाह को इस तरीके से चिपकाया जाता है। एक थोड़ा धीरे करके दिखाइएगा। मतलब 120 सेट 3 दिन में 120 सेट इन लोग मार्केट में भेज देते हैं। सबसे ज्यादा सप्लायर आपके मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन लेते हैं? और सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर के अलावा कहाँ जाता है आप लोगों का माल? पटना। पटना चूंकि कैपिटल है तो वहाँ पर किस हिसाब से ये चलता है? ये गोल्डन ला है और ये जो भी आप देख रहे थे ये रेड और ये मैरून है। मैरून ला है। ये कलर कैसे आता है इसमें ला पे? इसके क्या मिलाते हैं कलर बनाने के लिए? सब कलर आता है, गुलाबी कलर का बनता है। अच्छा, सबका मतलब पिगमेंट या डाई कुछ ऐसा आता होगा? नहीं, नहीं, अपने हाथ से तैयारी करना पड़ता है। यही ला का ब्रिक्स है नहीं? वो रेड कलर का। ये रेड कलर का ला है, ये हाथ से तैयार करते हैं लोग। अच्छा, ये दोनों मिला के रेड कलर का बनता है, मैरून कलर का बनता है। मतलब जितना जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा जो मिलाएंगे वो बनेगा।
ये भट्टी बनाए हुए हैं छोटा सा, इसी पे सारा काम होता है। आप लोग यहाँ पे पांच ही जन है, छह जन है, छह जन मिलके आप लोग मतलब 200 सेट पर डे बना लेते हैं, तीन दिन पर, जैसा आपका डिजाइन हो उसके अनुसार। बहुत अच्छा। अभी देखिए इसको, इस लाह को पकाया जा रहा है, इसको नरम होने तक पकाया जाएगा। जब ये नरम हो जाएगा तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसको इस तरीके से पकाते रहते हैं। आइडिया कैसा मिलता है कि कितना देर तक इसको क्या करना है, वो करते करते। अच्छा, दाबने पे होता है मतलब, ये गुल्ली लंबे का तो अंदाज मिल जाता है कितना ये बच चुका है। अच्छा, मतलब ये जितना फ्लेक्सिबल होते जाएगा उसके अनुसार आप ये अंदाज लगाते हैं कि ये कितना गल चुका है और कितना इनके लाइक चाहिए। नहीं, ये जो डिजाइन है लाह का, ये कहाँ मंगवाते हैं या ये सब बनता है, चक्रा से बनाया जाता है। ये भी आप ही लोग बनाते हैं, कलर बना करके बनाया जाता है। अच्छा, ये डिजाइन भी यही लोग बनाते हैं, ये भी लाह का ही चपड़ा है, मतलब थिन शीट ऑफ लाह आप कह सकते हैं इसको। ये मेटल किस चीज का होता है वैसे? ये एल्युमिनियम है जो गोल्डन पेंट किया हुआ रहता है क्या? ये जितना ही मेटल है चूड़ी के नीचे, ये सब एल्युमिनियम बेस्ड होता है। इसमें कॉपर या और कोई मटेरियल भी आता है? कॉपर भी आता है इसमें, और कॉपर बहुत महंगा होता है। जैसा डिमांड हो ना वैसा सामान इसमें दिया जाता है। बताइएगा आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में लिख के लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाह की मोटाई भी यही लोग तय करते हैं कि किस हिसाब से कौन से लाह पे, क्योंकि मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो चूड़ी फाइनल बन के आया है ये इतना चौड़ा है, अब इसमें नग लगेगा। तो नग लगने के बाद जो अभी मैं स्टोर में आपको दिखाया था वो सारा डिज़ाइन इसी के ऊपर बनता है, ये कलर चेंज होता है इसी के हिसाब से। बिहार के, बिहार में मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर की चूड़ी बहुत फेमस है, वैसे ही वर्ल्ड वाइड फेमस है, और खास करके आज के दिन तो ये फेमस और भी किया जा रहा है। वही मेन ला हुआ। अच्छा, यही मेन ला है, ये तो नेचुरल आता है ना? नहीं, बनाया जाता है, सब यहीं बनता है, ऑलरेडी यहाँ बनता है। अच्छा, इसको गला के फिर तैयार करते हैं, फिर इस पर लपेटते होंगे, इसमें फिर कलर मिक्स करते होंगे। अभी इसका कलर तो यही है जो दिख रहा है? नहीं, दूसरा कलर हो जाएगा, वैसा कलर हो जाएगा। हो जाएगा ना, लेकिन ये गलने के बाद हो जाएगा कि इसमें कुछ मिलाएंगे उसके बाद? सिर्फ वही रहेगा। अच्छा, सॉफ्ट होने लगा। अच्छा, यही शीट आप बनता है ना? यही शीट बनता है जिसमें डिजाइन करता हुआ है, ये प्रिंटेड शीट है, ये विला का पतला पतला शीट बनाया हुआ है। किया जा रहा है अभी। शुरू में इसको हाई टेम्परेचर पे ही गलाया जाता है, नहीं? और जब हाई टेम्परेचर पे गलाने के बाद, इसके बाद इसको अपने हिसाब से लेना, अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करना है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ये देसी टेक्निक है, और
आपने हाथ का कला है। ये हाथ का कला है, मतलब एक्सपर्टीज है इनको इतना कि ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं अपने हाथ से, कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिजली का खपत भी कुछ नहीं, बिजली का खपत भी कुछ नहीं, सब कोयले पे ही काम कर रहे हैं। आप एक सिरे से देखें तो यहाँ पे लाह बन रहा है, वहाँ पे फिर कट रहा है, फिर इसके बत्ती बना के इसको लपेटा जा रहा है। को क्या कर रही है? तो गला रहे, वैसा ही बनाएंगे। अच्छा, इस पर कलर लगेगा ऊपर से, उसको इस टाइप से बनाने के लिए। अभी शुरू का प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं। ये पैकिंग कर रहे हैं ना, कितना का सेट बनाते हैं? ये सेट को अभी 150 के है। बहुत यही है ओनर सर, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद शमी। इन्हीं का ये सारा, इन्हीं के देखरेख में ये सारा कुछ चल रहा है, और सारा अभी पूरे बिहार राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर ये हैं। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो। ये अभी नंबर बता रहे हैं 8877490490। एक बार फिर से 8877490490। आप लोग सुने होंगे, ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस बोल दीजिए सर आप। जिला मुजफ्फरपुर, रंजीत कोल्ड स्टोर, कच्ची पक्की। रंजीत कोल्ड स्टोरेज है ना? हाँ, रंजीत कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट कच्ची पक्की में, मुजफ्फरपुर में। और आपको मैंने अभी डिज़ाइन तो सारा दिखाया ही, ये सब आप तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं आप यहाँ से। अभी ऑनलाइन फैसिलिटी है आपके पास? ऑनलाइन अभी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन आप कॉल करेंगे तो ये एड्रेस पे भेज सकते हैं आप इनको। अगर पेमेंट डाल दें तो ये आपको एड्रेस पे भेज सकते हैं। कब से कर रहे हैं सर ये आप? 2010 से। अच्छा, 2010 से ही शुरू किए थे। क्या स्कोप है इसका अभी मार्केट, मतलब कैसा है? ठीक ठाक है इसका मार्केट। अभी मंदी का, अभी तो मंदी का भी दौर है। अभी मंदी का दौर है। हाँ, तो उस केस में आप उसके हिसाब से लो है, मतलब पहले क्या था और अभी कितना घटा? 50% अभी बिजनेस घट गया। मंदी का असर तो यहाँ भी है, 50% बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, सभी बिजनेस में लॉस हो रहा है। और कुछ बताइए अपने बारे में, पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? कस्टमर आए, स्वागत है उनका, वेलकम है हमारे पास। आए सामान लें और बढ़िया से बढ़िया सामान देंगे, उनको कम रेट में देंगे। आप दो चार पीस मुझे दिखा दीजिए रेट के साथ। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए स्पेशली कर रहे हैं क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में ये जनरली किसी को देते नहीं है, बोन ही नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए स्पेशली कर रहे हैं इतना कष्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाता हूँ मैं आपको, कितने का आएगा? 80 रुपये। ये 80 रुपये का ये पूरा सेट है। 150 रुपये का आएगा ये, 150 का सेट है। ये आंटी अभी यहाँ से ले रही हैं,
देखिए यहाँ के लोकल से ही है। आप लोग यहाँ के लोकल है ना? हाँ। नहीं, कहाँ से आई है? बगहा। कहाँ पड़ता है? बेतिया से आई है। बताइए यहाँ पे ये चूड़ी लेने, आप समझ रहे हैं इसका स्कोप कितना है। और प्रसिद्ध बिहार, मतलब मुजफ्फरपुर, बेसिकली बिहार नहीं कहूँगा, मुजफ्फरपुर किस लेवल पर प्रसिद्ध है ये डिजाइन। बहुत खूबसूरत है ये। और एक बार वो दिखाइए जो शादियों में पहने जाती है, दुल्हन लहठी। ये दुल्हन लहठी, और दुल्हन लहठी में ही आपको मैं और दिखाता हूँ और भी चॉइसेस। यही चीज आपको हर जगह मिलता है, हर दुकान में मिलेगा, और रेट यहाँ से कम 2-4 गुना। एक ये है राजस्थान का सिप वाला चूड़ी। ये सब भी लाह के अलावा सिप वाला चूड़ी भी, सिप चूड़ी भी जिसको बोलते हैं, सिप चूड़ी बोलते हैं ना भैया इसको, तो ये भी यहाँ मिल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, एक आप थोड़ा डिटेल में समझाइएगा। राजस्थान में बनता है और राजस्थान से लाया जाता है। अच्छा, ये राजस्थान से मंगवाया हुआ चूड़ी है, सिप वाला चूड़ी सिप से बनता है। और बिहार में भी इसका ट्रेंड बहुत जबरदस्त फैल रहा है अभी। पूरा दिखाना, ये पूरा सेट है।